इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इनखबर.com के लिए, और बात करेंगे संभल लोकसभा सीट की। जी हां, संभल लोकसभा सीट वो सीट है जो एक तरह से समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती है। ये बात अलग है कि पिछले चुनाव यानी कि 2014 के नमो लहर में ये सीट बीजेपी के पास चली गई थी और यहाँ से सतपाल सैनी जीते थे, लेकिन जो सतपाल सिंह सैनी जीते थे वो महज 5,000 वोटों के अंतर से जीते थे। लिहाजा ये सीट बीजेपी के लिए जीत करके भी हमेशा चैलेंजिंग रही। अब इस बार बीजेपी ने जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे सांसदों के टिकट काटे हैं और कुछ की सीटें बदली हैं, उसमें संभल भी प्रभावित हुआ है। और संभल से इस बार बीजेपी ने क्या किया है कि जो सतपाल सैनी थे उनको हटा करके और ले आए हैं परमेश्वर लाल सैनी को। परमेश्वर लाल सैनी उनके जो है पूर्व MLC हैं, और ये जो सीट है ये 1977 में अस्तित्व में आई। इसके बाद मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव वगैरह यहाँ से जीतते रहे। 2014 में ये बीजेपी ने जीती थी। बसपा, अब SP और BSP का जो इस बार का गणित है वो पिछले चुनाव पे पूरा टिका हुआ है। वो ये है कि पिछले चुनाव यानी कि 2014 के नमो लहर में जो सतपाल सैनी को मिले थे वो 3.6 लाख यानी कि 3,60,000 के आसपास वोट मिले थे, और जो SP के शफीकुर रहमान बर्क थे उनको 3,55,000, और BSP ने तब अकीलुर रहमान खान को खड़ा किया था जिनको कि 2,52,000 वोट मिले थे। अब यहीं पे SP BSP का पूरा गणित है कि इन दोनों वोटों को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये 6 लाख के आसपास बैठता है। और एक और ख़ास बात है कि पिछले चुनाव में RPD से DP यादव खड़े थे जिनको 36,000 के आसपास वोट मिले थे, और कांग्रेस से प्रमोद कृष्णन खड़े हुए थे जिनको 16,000 वोट मिले थे। तो इस बार जो है कांग्रेस ने यहाँ से प्रमोद कृष्णन को हटा दिया है, JP सिंह को ले आई है, और BSP ने कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया है क्योंकि सीट बंटवारे में ये सीट जो चली गई है वो सपा के पास चली गई है। तो एक तरह से SP और BSP पश्चिम के जिन सीटों पर अपना दावा मान रही है उसमें से एक संभल भी है कि ये सीट जो है निकल जाएगी, क्योंकि BJP पिछला चुनाव महज 5,000 वोटों से जीती थी। दूसरी बात कि SP BSP का कोई कैंडिडेट नहीं है, BSP का कोई कैंडिडेट नहीं है, SP BSP का आपस में गठबंधन है। तो शुरू में चर्चा ये चली थी कि चूंकि ये सुरक्षित सीट है, सुरक्षित मतलब जीत के लिहाज से सुरक्षित, तो यहाँ से राम गोपाल यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राम गोपाल यादव चुनाव मैदान में नहीं आए और यहाँ से शफीकुर रहमान को जो है टिकट SP ने दे दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। इस यहाँ पे जो है तीसरे चरण में चुनाव है, लिहाजा चुनावी शोर बहुत ज़्यादा तेज है। तो जो भी और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।